नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेस्ट टू के लिए जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, जो कि आ चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारा ये वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये नहीं पता है कि रिजल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रोसेस रही, तो उसके लिए भी हमने वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। और आज हम बताने वाले हैं, जो रिजल्ट के साथ साथ जो वेटिंग लिस्ट में नाम आए, ठीक है, 10 प्रत्येक जिले से 10 वेटिंग लिस्ट में नाम आए हैं। किस जिले में अगर नहीं कैंडिडेट हैं तो मतलब उस जिले में उतनी फॉर्म भरा, ठीक है। मिनिमम 10 कैंडिडेट तो हैं सभी जिलों में, किसी जिले में एक भी है, किसी जिले में दो भी हैं, पर 10 से ऊपर किसी जिले में नहीं। तो उनके वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का क्या हुआ, क्या उनके भी चांस रहेंगे, तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। पूरे, ठीक है, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा, पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वेटिंग वालों का क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और हाँ, आज हम 2 बजे लाइव भी आने वाले हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हम लाइव उसका आंसर देने वाले हैं, तो आपको बस वेट करना है, 2 बजे का हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर हम किसी भी जिले की एक पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं देखा, तो रिजल्ट देखने के लिए आपको एमपी सर्विस पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको युवा इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप वाले व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन देगा, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम किसी भी जिले की कर लेते हैं, हम दूसरे जिले के, खुद ही जिले कर लेते हैं, हम यहाँ पर हरदा जिले की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। अभी देखिए दोस्तों, हरदा जिले में टोटल 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। 3 ब्लॉक में से यहाँ पर 15 लोगों के क्या नाम आ रहा है कि 15 लोगों के सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं, ठीक है। 15 लोगों में सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 15वें नंबर पर है हरदा में, अमन लोधी, उनका 15वें नंबर पर नाम है और वो सिलेक्टेड है, ठीक है। 15 के बाद जो भी कैंडिडेट हैं 25 तक, ठीक है, 15 के बाद जो भी कैंडिडेट है 25 तक, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए 25 तक वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक चल हो गया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो 25 नंबर पर है ये शरद सिंह, इसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है। तो अब मेन बात जो है वो, ठीक है, तो ये जो वेटिंग लिस्ट में 1 से 15 तक के हैं, मतलब 10 कितने, ठीक है, 16 से लेकर 25 तक जो कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। तो तो यहाँ पर अब आपको समझने वाली बात यह है, जो यहाँ से है, ठीक है, ये इनकी रैंक चलेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर 25 तक 10 रैंक तक यहाँ पर लोगों को वेटिंग लिस्ट में लाया गया है। अब मान लीजिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर उसमें से मान लीजिए इन सिलेक्टेड कैंडिडेट में से ये 2 लोग नहीं करना चाहते, ठीक है, हम कोई भी 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये 2 लोग नहीं करना चाहते हैं। अब ये 2 लोग नहीं करना चाहते तो अब क्या होगा, ठीक है, ये इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 2 तारीख से पहले पहले, अगर भोपाल जाने से पहले पहले इन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं करना है तो ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब दोस्तों, अब जैसे ही ये नहीं करेंगे, जैसे ही सीएम फेलो सर को ये पता चलेगा कि ये नहीं करेंगे, तो वो तुरंत वेटिंग लिस्ट उठाएंगे और शुरू के दो कैंडिडेटों को फोन करेंगे, शुरू के दो कैंडिडेट को फोन करेंगे कि आप करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएंगे। अगर इसमें से एक कैंडिडेट मना बोल देता है, ठीक है, जो फर्स्ट रैंक पर है वो कैंडिडेट यदि मना बोल देता है तो उसके नीचे, ठीक है, फिर 2 कैंडिडेट को उठाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट मना बोल देता तो दूसरा तो वही रहेगा, फिर फर्स्ट वाला दूसरे को ले लेंगे। तो इस प्रकार से मैं समझाना यही चाहता हूँ, अगर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें से 15 लोग में से कोई कुछ कितने भी, मतलब 1 2 3 4 अगर लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो फर्स्ट नंबर से लेकर वेटिंग लिस्ट में से उन कैंडिडेटों को उठाया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी, अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट नहीं करना चाहता है तो वो उसमें उसकी पत्ती वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को उठा लेंगे, इसीलिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट बुला दी। अगर किसी जिले में एक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें से एक भी ऐसा कैंडिडेट है जो नहीं करना चाहता, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका नाम आ चुका है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपका नाम नहीं आया तो धैर्य रखिए, हो सकता है आपका नेम भी वेटिंग लिस्ट में से उठा लिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्द मिलेंगे। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। धन्यवाद।